वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CGPSC ऑनलाइन क्लासेस। मैं अंकुर खंडेलवाल आप सभी का अपनी इस वीडियो में इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सन 2017 का CGPSC मेंस का पेपर कुछ हद तक सॉल्व करने की आपके साथ कोशिश करी थी। दोस्तों, उस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप तक अपने पढ़ाने का तरीका पहुँचा पाऊँ। आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ आप सभी का इस चीज़ के लिए। और आज से हम CGPSC मेंस के लिए पहले टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए डेली वीडियोस डालूँ ताकि आप डेली पढ़ें, डेली रिवाइज करें। दोस्तों, अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप उस चीज़ को पूरा पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपका मैथ्स का तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको यहाँ पर मैथ्स की प्रैक्टिस करा पाऊँ अच्छे से। मैं मोस्टली टॉपिक्स जो कवर करूंगा वो NCERT की बुक से कवर करूंगा। आज का जो टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो है फ्रेंड्स रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स, दोस्तों रेशनल नंबर्स की जरूरत हमें कहां से पड़ी, सबसे पहले हम इस चीज पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इक्वेशन है x-2=0, तो अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो वो होगी x=2, जो कि एक होल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, x+2=0 कोई इक्वेशन है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x की वैल्यू होगी -2, जो कि एक इंटीजर है। और अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है 2x-3=0, तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 3/2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो दोस्तों, हमें रेशनल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, कहां से पड़ी, ये मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता दूंगा कि होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं। अगर हम सिर्फ होल नंबर्स की बात करें दोस्तों, पूर्णतः संख्या इनको शायद हिंदी में बोलते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स की बात करें दोस्तों, तो वो -∞ से शुरू होते हैं और +∞ तक जाते हैं। और अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करूं तो रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि रेशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है जो a/b की फॉर्म में लिखा जा सके, इस तरीके की फॉर्म में लिखा जा सके जिसमें a और b दोनों इंटीजर्स हैं और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये दोस्तों रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। रेशनल नंबर कोई भी एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसे हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a और b इंटीजर होंगे पर b की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये दोस्तों रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब हम रेशनल नंबर्स के साथ किस तरीके से काम करते हैं उस पे बात करेंगे, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये रेशनल नंबर्स के लिए हम बात करेंगे अभी। तो दोस्तों, अगर हम रेशनल नंबर्स के लिए बात करें, फॉर एग्जाम्पल एडिशन की अगर हम बात करें, 2/3 + 3/6 को अगर हमें ऐड करना है, 2/3 + 3/6 को अगर हमें दोस्तों ऐड करना है, तो इस एडिशन को करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों बेस को कॉमन स्टेज पे लाना पड़ेगा। ये 3 और 6 ये दोनों कॉमन स्टेज पे नहीं है, सबसे पहले हम इन दोनों को एक कॉमन स्टेज पर लाएंगे। उसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको 2/3 को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो बना देगा इसको 4/6,
या फिर दूसरा तरीका यह है मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेने के बाद फिर हम इसको ऐड कर देंगे। तो दोस्तों अभी हम ये वाला तरीका अपनाते हैं क्योंकि मैंने आपको एलसीएम बताया नहीं है। 2/3 × 2/2 किया तो ये बन गया 4/6, तो अब हमें ऐड करना है 4/6 + 3/6, तो ये आपका टोटल जो बनता है वो बनता है 7/6। तो दोस्तों इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। अब अगर हम एलसीएम के तरीके से करें तो दोस्तों एलसीएम के तरीके से करने से अच्छा बेटर मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है अभी के लिए। आप ये समझ लीजिए ये जो दो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए जो बनेगा 18, इसको आप नीचे लिख लीजिए 18 को, फिर 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 होता है, और ये जो 6 है इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 2 = 12 प्लस 6 × 3 = 18, जो 3 है उसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो बनेगा 9। ये दोस्तों आ गया 21/18, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, ये भी आ गया आपका 7/6। तो दोस्तों इस तरीके से हम ज्यादा बेटर वे में ज्यादा नंबर्स में भी एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3/6 के साथ 1/2 भी होता तो हम इसको किस तरीके से अप्रोच करते, 6 × 18 = 36, नीचे 36 लिख लिया, 3 × 12, 12 × 2 = 24 प्लस 6 × 6 = 36, 6 × 18 प्लस 2 × 18 = 36, 1 × 18 = 18। तो दोस्तों ये बनता 24 और 36, 60/36 और 6 × 6 = 36, 6 × 60, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो ये इसका आंसर जो आता दोस्तों वो आता 5/3। तो इस तरीके से अगर ज्यादा संख्या भी है आपके पास तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सेम तरीकों को अपनाएंगे, सब्ट्रैक्शन भी एक तरीके का एडिशन ही होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपको माइनस 5/6 में से माइनस करना है 1/3, 5/6 में से माइनस करना है हमने 1/3, तो दोस्तों एक तरीके से एक तरीके का एडिशन ही होता है। 5/6 प्लस कर दीजिए इसको और इसको लिख लीजिए -1/3, फिर हम एडिशन की तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 × 18 = 18 नीचे लिख लिया, 6 × 18 3 × 5 = 15 प्लस साइन ये माइनस साइन बार, 3 × 6 = 18 माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया -6, 15 में से 6 गए दोस्तों 9, 9/18 यानी 1/2 इसका आंसर हो गया, 1/2 इसका दोस्तों आंसर हो गया। ये इसका सिंपल सा एडिशन माइनस करने का तरीका है। और अगर आपको माइनस को माइनस के वे में ही लिखना है तो भी सेम ही तरीका है, 6 और 3 = 18, 6 × 18 3 × 5 = 15 माइनस 3 × 6 = 18 और 1 × 6 = 6, 15 में से 6 गए 9, 9/18 1/2। तो किसी भी तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं जैसा भी आपको सुटेबल लगे, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। अब दोस्तों बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। अगर दोस्तों मल्टीप्लिकेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल 5/6 × 2/9 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों ऊपर वाली संख्या को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली संख्या को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन सिंपल होता है 10/54, ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। अगर माइनस में होता दोस्तों ये -2/9 होता तो ये -10/54 हो जाता, अगर ये दोनों माइनस होते तो ये प्लस हो जाता। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, ये बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का, प्लस इनटू प्लस प्लस होता है, प्लस इनटू माइनस माइनस होता है, माइनस इनटू प्लस माइनस होता है, माइनस इनटू माइनस प्लस होता है, यानी अगर आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलेगा और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलेगा, अदरवाइज आपको माइनस साइन के साथ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 नंबर है जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि
पॉजिटिव का नेगेटिव से किया नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव से किया फिर से नेगेटिव, तो तीसरा जो नंबर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। अगर दो नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, दो नंबर पॉजिटिव है तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, जो प्लस आएगा वो प्लस इंटू प्लस प्लस फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, तो वो पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों साइन लगाने के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देख लेना है कि आपके साथ माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो रहा है, प्लस इंटू माइनस होके माइनस हो रहा है। दोस्तों मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ही आसान है। अब हम बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन दोस्तों बहुत सिंपल तरीका होता है, 2 बाय 3 डिवाइड बाय 5 बाय 6 अगर हमें करना है फॉर एग्जांपल, तो हम 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय ऐसे करके 5 बाय 6 लिख लेंगे और इस डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे और लिख लेंगे इसको 2 बाय 3 इंटू 6 बाय 5, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर दोस्तों हो गया 4 अपॉन 5। तो ये डिवीजन करने का इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप डिवीजन को सीधे ऊपर इस साइन को ऐसे चेंज कर लीजिए। इनिशियल लेवल पर आपको ये चीज करने की जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप साइन वाइन चेंज करके नहीं सीधे इसको 2 को यहाँ लाएंगे, 6 को ऊपर ले जाएंगे और इजीली कर देंगे। जैसे अगर मैं अप्रोच करता तो 2 बाई 3 इंटू 6 बाई 5 सीधे डायरेक्ट कर देता, ना कि ये डिवीजन सिंबल लगा के, बट इट्स गुड फॉर यू कि आप ऐसे प्रैक्टिस करें। तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन आपको सब समझ में आ गया है दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं अगले वीडियो में आपके साथ रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को लेकर और एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को लेकर आऊंगा। थैंक यू।